गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लाइफ मैटर में आप सबको फिर स्वागत है। स्टेशन से आज सुबह को छोड़ने आई हूँ, ट्रेन में चलाने आई हूँ। छोड़ के कहाँ जाऊँगी, मैं ट्रेन में चलाने आई और ये छोड़ने का ट्रेन में छोड़ने का जो मोमेंट होता है ना, बहुत दुखद होता है। मन मेरा भारी हो रहा है लेकिन मैं जाहिर नहीं कर सकती दुआ के सामने, उसका मन भी भारी हो जाएगा। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ, पता नहीं ट्रेन कहाँ देगा, अनाउंसमेंट होने से चले जाएंगे। फिलहाल तो यहीं पर ही हम लोग हैं और टुआ का सहेली भी आ चुकी है यहाँ पर, दोनों एक साथ आटाबाजी में लग गया है। नहीं, पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आपस में दुख सुख शेयर हो रहा है। पढ़ाई करना बोलने से बड़ा बड़ा आ करके देखते हैं दोनों ही। आंटी छाड़ू ना तुम्हें, बोलो गुड इवनिंग, बोलो गुड इवनिंग। अच्छा, टुअर सांगो ट्रेन सब एग्जाम देने जा रही है, सब माँ सरस्वती माँ दुर्गा जा रही है। हाँ, माँ दुर्गा तो अभी कल चले जाएंगे पानी में, सरस्वती उठ के जा रहे हैं अभी एग्जाम देने। हाँ, बहुत बोलो बोलो थियो बेस्ट फ्रेंड हो गया है अभी दिन भर ये लोगों का, दो दिन से फोन में इतना कन्वर्सेशन, छोटा छोटा चीज लेके बड़ा तो छोड़ी है। और टुआ का ये लगेज, तो लगेज का पूजा, टुआ का ये लगेज, टुआ को तो लगता है टूर में जा रही है। देखिए उसका अपना साइड बैग मतलब, और ये उसका खाने का जो बैग है, और पूजा का ओनली पीठ में हैंग कर लिया है। लग रहा है स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, तुमको लग रहा है तू टूर करने जा रहा है, तिरुपति जाके आ जाना। चिप्स लेने मैं भूल गई थी, मैंने सोचा स्टेशन से ही ले लेते हैं, क्यों और लगेज बढ़ाना है। तो जा रहे हैं अभी चिप्स लेने के लिए, देखते हैं मेरा फेवरेट वाला जो मैं खाती हूँ हमेशा वो मिलता है कि नहीं। लेस तो मिल ही जाती है ना, लेस लेना है, देखते मिल जाना चाहिए। ये चिप्स, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी हमें मिल गए, वो अम्बालिका उधर है, उसको लेके चलते हैं। मैंने मम्मी को उसके बारे में बताया था, उसको आज मिलाएंगे मम्मी से। नहीं कोई बात नहीं, हमसे तो मिल ही चुके हैं, आपसे भी मिलना था ना। ये सारे मेरे फ्रेंड्स, देखिए क्या बोले, अरे तुम ही वीडियो करते रहे स्टेशन में, रह जाओ या चल जाए ट्रेन। चलो चलो, मैंने बोला कि चलो इस बार मम्मी एग्जाम देने मेरे साथ, क्योंकि कहीं भी गए हैं कोई भी एग्जाम हो या ऐसे भी यूनिवर्सिटी, मम्मी गई है एक बार भी, हम बोले कि एक बार आप ही देख। सारे सुबह के फ्रेंड बन चुके हैं फर्स्ट सेमिस्टर से ही, तुम्हें तो यंग, तुम्हें आंटी लागो को था सब फ्रेंड। हम लोग अभी ये विंडो है ना, तो आवाज तो जा नहीं रहा इसलिए फोन में बात कर रहे दोनों, ये दीवार है हम दोनों के बीच का। तुम्हें हमको की बोल रहे पैसा खाब चिप्स खाओ जल खाओ, हाँ ठीक है। हाँ, और कुछ भालो को जा भी सावधान ने जा भी फोन कर दी है। ये जो दीवार है हम दोनों के बीच का, ये दीवार इसीलिए तो इसमें बात कर रहे हैं। वो वीडियो को अच्छे तो ही जुड़ने आई बोल रहा, ये सीन कैप्चर होना चाहिए। तुम भालो कर पाओ क्या ना, दाड़ा रुको ना, बने कौन दाड़ा। আর নেটওয়ার্ক যদি না থাকে তুমি আমাকে ফোন করবে না, আমি তোমাকে ফোন করবো, কারণ কোথায় নামতে থাকবো কোথায় বাথরুম যাবো, ওই জন্য তুমি ফোন করবে না আমি করবো। ঠিক আছে ঠিক আছে, বাই। জাস্ট ছুটা আর মানে না জ্যাকেট ডাল দিয়ে মুঝে ঠান্ডা লাগ রা থা, জাস্ট ছুটা অভি তো প্ল্যাটফর্ম ক্রস নেই কিয়া, মম্মি রহ গে পিছে, জ্যাকেট পহনতে পহনতে না ট্রেন ছুট গেছিল, আমি মম্মি কো কভার নেই কর পাই। চলিয়ে উইথ গডস গ্রেস আচ্ছে সে পৌঁছ যায়, होप इस बार का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो, आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए।
देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है अभी जो वेदव्यास क्रॉस कर रहे हैं, वेदव्यास का जो ये देखिए नीचे पानी और ऊपर में ये ब्रिज। पूजा कह रही है कि हम लोग हमेशा उस तरफ होते थे, मतलब रास्ते में देखिए जो गाड़ी जा रहा है ना, बस जा रहा है, उस तरफ होते थे, लेकिन अभी हम लोग इस तरफ है, उनको देख रहे हैं। हमेशा उधर से इधर ट्रेन देखते थे हम लोग, अभी उल्टा हो गया है ना। पूजा और कभी चला गुच्छी बहुत मजा लगा, एवं तो लगुच एग्जाम देवा पाने ट्रिप रे जाओ छी हमें एग्जाम रे टिक के टेंशन हाँ छूट के 10-15 मिनट हो गया है, तो थोड़ा मैं भी बड़े पापा को कॉल कर लेती हूँ, उनसे बात नहीं हुआ, उनको बोल देती हूँ कि ट्रेन छूट गया, वो चिंता करते होंगे, दीदी भाई भी होगी, बोल देती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स अभी हमारा डिनर टाइम है, खाना तो 2-3 टाइम का ही है, कल हम लोग दोपहर को उतरेंगे, इसलिए मम्मी मुझे सारा घर का खाना दी, पूजा भी सारा घर का खाना ले आई। तो इसमें है देखिए, इसमें चिकन लेके आई हूँ मैं ये वाला, लेकिन पूजा ये नहीं खाएगी क्योंकि उसका कुमार पूर्णिमा, वो वेज खाएगी। और इसमें कल, इसमें हमारा कल का नाश्ता है ये वाला, वो मैं कल बताऊँगी कि क्या है सरप्राइज। और ये वाला रात का खाना है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पूजा रोटी खाएगी और मैं चावल खाऊंगी, ये मैं चावल लेके आई हूँ, और इसमें दाल सेतू है, और यहाँ पे इसमें चिकन दे दूँगी। बस चलिए फटाफट खा लेते हैं, खाना डिनर हो गया है, बहुत अच्छा खाना हुआ। और मैं यहाँ पे मेरा तो मतलब वो देखिए उधर वो ऊपर वाला वो एक है और इधर वाला है, लेकिन फिर भी पूजा उधर नीचे, मैंने उसको बोला कि देखो रात अभी संबलपुर में कोई पैसेंजर चढ़ेंगे, तो मैंने बोला कि तुम सो जाओ यहाँ पे, अगर कोई आएंगे तो पूछेंगे, एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो ऊपर आ जाएगी, वो अपर वाले बर्थ में आ जाएगी, तो जब तक नहीं होता है तब तक नीचे सोने में क्या जाता है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि वो मतलब जो अपर बर्थ है ना, वो मेरा थोड़ा हाइट ज़्यादा है, तो मेरे को टक्कर लगेगा उठने जाऊँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैं आ गई। और वहाँ पर एसी का जो वो वेंट है ना, वो ज़्यादा हवा मुझे लग रहा है होगा, मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर, मैंने पूजा को बोला तो गई, बोली नहीं कोई बात नहीं, मैं तो नीचे ही सो रही हूँ, देखती हूँ कोई काश अच्छा कोई हूँ थोड़ा एडजस्ट कर ले, तो ऊपर चले जाएंगे और मुझे और मैं इधर अपर ये लोअर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए सो जाती हूँ, खा ली हूँ, थक गई हूँ बहुत, वो बिस्तर लगा के लाइट वाइट ऑफ कर देगी, ऑलमोस्ट सब हमारे इधर कंपार्टमेंट में सो गए हैं। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और नाउ वी रीच्ड विशाखापट्टनम, और अभी भी बहुत टाइम है हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में, विजयवाड़ा। ट्रेन राइट टाइम अभी नहीं है, 1.5 घंटे लेट ही चल रही है, अब पता नहीं वो कोवअप कर पाएगी या नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी कोवअप कर जाए, अदरवाइज़ हम लोगों को 6:30 बज जाएगा, हम लोगों को होटल या हॉस्टल जहाँ भी आने में जल्दी पहुँच जाएगी। तो 2:40 को राइट टाइम था, लेकिन ये अभी तो मुझे लग रहा है, अभी दिखा रहा है 4:40 से दिखा रहा है, जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। पूजा गई है अभी ब्रश करने के लिए, वो आएगी अभी, बज रहे हैं, हाँ अभी बज रहे हैं 10 और वो गई है ब्रश करने के लिए। एक्चुअली हम लोग 9 बजे से वेट कर रहे, ट्रेन में पानी ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लोग ब्रश और वॉशरूम कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो मैं तो खुद ट्रेन से उतर के मैं गई थी वो सामने ब्रश करने के लिए, बट डर भी रही थी कि अगर ट्रेन छूट गया तो मेरे पास फ़ोन वोन कुछ भी नहीं था, सारा तो ट्रेन में है, तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे ब्रश करके अंदर आ गई। उसके बाद अभी फिर पूजा गई है ब्रश करने के लिए, मैं सामान वामान देख रही हूँ, आएगी तो हम लोग साथ में नाश्ता करेंगे, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, ट्रेन अभी खड़ी है स्टेशन में विशाखापट्टनम में। ये देखिए कल रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे थोड़ी सर्दी भी हो गई, ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट नूडल्स चाउमीन, ये मैं लेके आई थी कल, चलिए खा लेते हैं, पूजा को भी बहुत भूख लग गया है, और ये रहा बाहर का नज़ारा, अभी हम लोग खाएंगे, पता नहीं इतना ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं, पूजा खाएगी मेरे से तो इतना जाएगा नहीं, मम्मी ने बहुत सारा दे दिया, खा लेती हूँ, बहुत भूख लग गई है, 10:30 ऑलरेडी बजने जा रहे हैं। जर्नी हो ट्रेन का और चाय ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए चाय, वो अलग बात है, चाय बहुत ही ख़राब है यहाँ का, पर थोड़ा सा गला, थोड़ा सा कुछ तो गर्म जाएगा गले में, इसीलिए चाय ले लिया है। मेरी मम्मी होती तो बहुत मिस कर रही होती ये वाला। और हाँ फ्रेंड्स,
और फोन तो मेरे पास है इसलिए मम्मी वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पा रही है। शुभ विजय तुम्हारे सबाई के अनेक आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा जाना बड़े हमार प्रणाम और छोटे हमार भलोबासा शुभेच्छा जाना शुभ विजय सबा के। और चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और पूजा खा रही है, मेरा हो गया है, मैं नहीं खा पाएगी और सर्दी सर्दी हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। बड़े पापा कॉल किए थे जीठू, उनसे भी थोड़ा चाय पीते पीते बात करूँगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 3:30। ट्रेन से उतर के हम लोग अपने ट्रैवलर में बैठ गए हैं जो हमें NRT नालासरावपेट तक लेके जाएगी, मतलब जहाँ से हम कॉलेज या हॉस्टल जहाँ से हम लोग जाएंगे वो बैठ गए हैं। और बाहर का भी हम लोग नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और यहाँ से विजयवाड़ा से NRT हम 2-2.5 घंटे जैसे लगते हैं, तो अभी बिल्कुल इवनिंग अभी टाइम हो गया है। हॉस्टल पहुँच के मिलते हैं आपसे। आ गए हैं जहाँ आना था, पहुँच गए हैं। ये हॉस्टल है फ्रेंड्स, होटल नहीं है। और कैसे आए, क्या हेक्टिक कितना हुआ, अभी 9 बजने जा रहे हैं और इट्स बीन ऑलरेडी 8:50। तो अभी हम लोग यहाँ पे हॉस्टल में इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पे ना खाना मिलता है 3 टाइम का। तो डिनर लेने नीचे जाएंगे, 5-6 दिन यहाँ पे जो रहना है उसका पूरा पेमेंट कर दिए हैं, एडवांस पेमेंट यहाँ पे चलता है तो दे दिए हम लोग। यहाँ एक रूम में हम लोग 4 लड़कियाँ रह रहे हैं, तो ये मेरी और एक फ्रेंड है, इनसे हम पहली बार मिल रहे हैं और वो रही अरुंधति और एक गई है वो पूजा, जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो गई है नहाने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मैं डिटेल में बाद में बताऊँगी, पढ़ना है, बहुत लेट हो गया है। तो चलिए मैं अभी रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।